नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको ठाकुर जी की पगड़ी बनाना सिखाती हूँ, जो कि इस प्रकार से है। देखो, ये है। मैंने इसमें 25 फंदे डाल लिए हैं। 25 फंदे डालने के बाद सीधी सीधी करके 1 2 3 4 सिलाई बुननी है। 4 सिलाई में आपकी एक और ये दो दो धागे पड़ जाएंगी। दो धागे डालने के बाद दूसरा रंग आप कोई भी ले लो, उसमें सीधी उल्टी 4 सिलाई ऐसे फेर लो। दो सिलाई फिर आपको सीधी सीधी फेरनी है ताकि ये दो धागे डल जाए। दो धागे डलने के बाद फिर मैंने इसमें 4 सिलाई फेर रखी हैं, सीधी उल्टी। ये देखिए, इसमें ये बनी हुई है। 4 सिलाई ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं और 4 ये हैं। यहाँ तक का मैंने बना रखा है। अब ऊपर कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो फंदे हैं हमारे, हम आए बार दो का एक करना है। ऐसे ये दो फंदे लिए सिलाई में और एक कर दिया, दो फंदे लिए एक कर दिया, इसलिए ये फंदे आधे हो जाएंगे हमारे। दो फंदे लिए एक कर दिया, दो फंदे लिए एक कर दिया है, दो लिए एक कर दिया है, दो लिए एक कर दिया है हमने, दो फंदे लिए फिर एक कर दिया है, दो फंदे लिए फिर एक कर दिया है, दो लिए हैं फिर एक कर दिया है, दो फंदे लिए एक हो गया है और दो फंदे लिए एक हो गया है। हमारे ये फंदे रह गए हैं। उल्टी सिलाई हमें सीधी करनी है ताकि हमने यहाँ पे भी उल्टी सिलाई सीधी करी है तभी धारी आई है। इसमें भी यहाँ पे धारी आनी है। हम उल्टी सिलाई सीधी प्लेन बुनेंगे, इसमें कोई भी फंदा हम घटाएंगे नहीं। बस आपको सीधी सिलाई फेरनी है, उल्टी के बजाय सीधा फेरना है। ये देखिए, ये डल गई है एक धारी। एक धारी हम फिर डालेंगे, इसमें भी हम दो का एक करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि सीधी सिलाई में हमें दो का एक करना है और उल्टी सिलाई में हमें सीधी सिलाई बुननी है, उसमें कोई फंदा नहीं घटाना है। ये देखिए, अब उल्टी सिलाई हमें सीधी करनी है। ये हो गया हमारा, ये बन गया है। हम थोड़ा सा धागा छोड़ के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस धागे को हम सुई में डाल लेंगे। ये सारे फंदे हम सुई में डाल लेंगे और सुई में डाल के ऐसे निकाल लेंगे, धागे में पिरो लेंगे इन फंदों को। फिर हम इसको सिल देंगे।
ये देखिए हमारा सिलने लग रहा है। ये सिल गया है हमारा, ये बन गई है कैप। अब हम इसको ये जो हमारा धारी डली हुई है वाइट वाइट रंग का, ऐसे लेंगे इसको 3 बार, जो वाइट वाइट उठाएंगे ऐसे, इसको ऐसे सील लेंगे। ये बन गई है हमारी। अब हम इसमें ये चोटी बनाएंगे। चार चार धागे ले लेंगे, 4 वाइट और 4 हमने ग्रीन, ग्रीन हमने 8 ले रखे हैं क्योंकि हमें चोटी में 3 अलबेल्ट लेने होते हैं। इसकी ऐसे करके चोटी में गूंदेंगे। ये बन गई है हमारी चोटी। इसमें जरा सा धागा बांध देंगे ताकि ये खुले ना। ये जहाँ पे हमने सब फंदों को धागे में पिरोया था, ये हमें गांठ वहाँ से निकाल देनी है। और इस चोटी को यहाँ से लेके नीचे ले आएंगे और ये वाली चोटी हम
ऊपर निकाल देंगे। जो ये गांठ है अंदर वाली, ये हम सुई से यहाँ पे सील देंगे ताकि ये बाहर ना निकल जाए। और बाद में ये ऊपर से थोड़ी सी कटिंग कर देंगे एक साथ। नीचे से सुई निकाल देंगे। ये देखिए हमारी कान्हा जी की पगड़ी तैयार हो गई है। धन्यवाद।